हाई एवरीवान वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो आज की ये लुक मैंने क्रिएट किया है दिवाली स्पेशल लेकिन आप लोग इस तरीके का लुक कोई भी ओकेजन में कर सकते हो और कैसे मैंने सब कुछ किया है फुल एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में सो so, वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करना और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना चाहे को सब्सक्राइब कर देना ओके सोनाओ लेट विल स्टार्ट दीडियो सबसे पहले मैंने यूज़ किया है क्विंच का फेस मिस्ट फुल फेस में मैंने पहले स्प्रे कर दिया है फिर ड्राई होने के लिए मैंने कुछ टाइम छू छोड़ दिया है आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो जो आप नॉर्मल डे पे यूज़ करते हो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यूज़ किया है न्यूट्रीडम का विटामिन ई e मॉइस्चराइजिंग लोशन फुल फेस पे जैसे नॉर्मल हम लोग क्रीम लगाते हैं ना वैसे लगा के जस्ट मैंने मसाज कर दिया नाउ सबसे पहले करूँगी मैं अपनी आई मेकअप जिसके लिए आई की बेस को रेडी करना है तो मैंने लिया है माइकलम की कंसीलर और आई लिट के ऊपर धीरे धीरे लगा दिया फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे कंसीलर को मैंने ब्लेंड कर दिया जो जो प्रोडक्ट आप लोग यूज़ करोगे ना सभी प्रोडक्ट आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना मैंने जो वीडियो में दिखाई है वही आपको यूज़ करना है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नाउ कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद उसको सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर आप लोग चाहो तो लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का आई पैलेट और इसमें से ब्राउन शेड लेकर पहले मैंने अपनी आईब्रो को फिल कर दिया सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी आई मेकअप करूंगी फिर मैंने सोचा कि आज की जो मेकअप की जो आई मेकअप है ना वो मैं बहुत हल्का रखूंगी तो मैंने सोचा कि चलो पहले बेस कर लेती हूँ तो बेस के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर ये थ्री इन वन प्रोडक्ट है ये हाईलाइटर की तरह काम करता है प्राइमर तो ये है ही और ऊपर से मॉइस्चराइज़र की तरह भी काम करता है ओके मतलब लगाने के बाद आप खुद ही देख लो कितना कितनी अच्छी तरीके से इसने ग्लो प्रोवाइड कर दिया है फुल फेस पे नाउ जैसे कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है ना तो जब भी मैं कोई हैवी मेकअप करती हूँ वेडिंग वाला या फिर कोई फेस्टिव सीजन का तो मैं हमेशा कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ और आप आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि जरूर करना कलर करेक्टर यूज़ करोगे ना तो जो बेस है ना वो बहुत फ्लॉलेस दिखेगा नेक्स्ट फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे टू टू शेड यूज़ किया है पहला वाला डमको का हाई कवरेज फाउंडेशन जिसका शेड है जीरो थ्री जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है एक शेड डार्क है लेकिन मैंने कलर करेक्टर यूज किया है ना तो आपको सेम ही दिखेगा और दूसरा मेबलिन का है जो वन ट्वेंटी एट जो एग्जैक्ट मेरे शेड का है जो मीडियम कवरेज देता है तो दोनों को मिक्स करके मैंने फुल फेस पे फाउंडेशन लगा दिया नाउ कंसीलर के लिए सेम मैंने माइग्लैम का कंसीलर यूज़ किया है और कंसीलर uh, मैंने मेरी स्किन टोन से ज़्यादा यानी कि एक शेड ऊपर का यूज़ किया है हाइलाइटर की तरह हाइलाइटिंग कंसीलर बोल सकते हो और अंडर आई को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है लूज पाउडर जिसका क्लिप मैं फिर से लेना भूल गई नाव अभी स्टार्ट uh, करूंगी मैं अपनी आई मेकअप और आई मेकअप के लिए जो पैलेट मैंने यूज़ किया है माइग्लैम पॉप एक्स होगा आई शेडो पैलेट जिसमें से मैंने लिया है ये ब्राउन शेड और पहले मैंने आईलिट के ऊपर पूरा आईलेट के ऊपर ब्राउन शेड को अप्लाई कर दिया नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन पॉपेक्सो का मिनी आई पैलेट और इसमें से लाइट शेड लेकर मैंने ब्राउन शेड के ऊपर लगा दिया क्रीज में और दोनों कलर को ब्लेंड कर दिया जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रांजिशन कलर लगाते हैं ना वैसे ही मैंने आई से स्टार्ट किया है फिर एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अंडर आई पे जितने सारे लूज पाउडर था ना उसको मैंने रिमूव कर दिया फिर मैंने लिया है शुगर का काजल और लोअर लैश लाइन पे अच्छे से मैंने काजल लगा दिया है मोटा करके मैंने इस मेकअप लुक में ना कोई भी लाइनर यूज़ नहीं किया है फिर मैंने लगाया है मामार्थ की मस्कारा ये हर एक वीडियो में आप लोग कुछ 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 चीज़ें ना सेम दिखोगे क्योंकि वो मेरा सबसे फेवरेट है ना तो मैं उसको अगेन एंड अगेन यूज़ करती हूँ और आज मैंने कोई कंट्रोलिंग नहीं किया है नॉर्मली ब्लश लगा दिया और ब्लश के लिए मैंने अगेन शुगर का ही ब्लश यूज़ किया है और स्विस ब्यूटी की फेस पैलेट से मैंने कंटूर शेड लेकर जिसकी ना मेरी तरह से लॉन्ग फोर हेड है ना थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ कंटूरिंग कर सकते हो उसमें ना आपकी फेस की साइज थोड़ा सा छोटा दिखेगा फुल फेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का सेम वही चिकाबू पैलेट जिसमें से मैंने कंट्रोल यूज़ किया था और जितने सारे हाईलाइटर पॉइंट है ना सभी जगह मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया और लास्ट में लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ का लिपस्टिक शेड नंबर जीरो सेवन आई थिंक रैप वेरी रेड ऐसा ही कुछ होगा मैं मैंशन कर दूँगी और यहाँ पर ख़त्म होता है मेरा मेकअप ओके गाइज तो नाउ हेयर इज़ माई फाइनल लुक ओके so, सो ये मेकअप लुक अगर आप सभी को पसंद आए ना तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो और जितनी सारी प्रोडक्ट मैंने दिखाई है ना वीडियो में सभी की परचेस लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जहाँ से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ओके सो so, आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ आप सब अच्छे से रहना खुश रहना बाय बाय लव यू ऑल